दिस इज अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के कुछ और मोड. देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ प्लांट्स पे क्लोरोफिल नहीं होती है. दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, मीन्स कि वो अपना खाना अपने आप नहीं बना सकते हैं. हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, वो कैसे जिंदा रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन, वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं. लाइक ह्यूमन्स एंड प्लांट्स, लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाई अदर प्लांट्स. तो जैसे ह्यूमन्स हैं और एनिमल्स के में हमने पढ़ा था कि वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. तो ये प्लांट्स भी जो है ना, ये और दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. दे यूज द हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो कौन सा मोड यूज करते हैं, वो हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यूज करते हैं. लुक एट फिगर 1.5, कि 1.5 फिगर आप देख सकते हो. तो ये एक जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये बेलें सी दिख रही है येलो कलर की, ठीक है. ये कुस्कुटा या अमर बेल है जो दूसरे प्लांट के ऊपर जो है इसने, ये कहते हैं चढ़ी हुई है, ये लिपटी हुई है, ये ट्वाइन किया हुआ है इसने. Do you see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branches of a tree? तो हाँ, येलो कलर का एक वायरी सा स्ट्रक्चर, ब्रांच मतलब जिसकी ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, वो दूसरे प्लांट के ऊपर ट्वाइन करा हुआ है, मतलब कि लिपटा हुआ है. दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कुस्कुटा, ये कुस्कुटा प्लांट है. इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, जिस प्लांट के ऊपर ये क्लाइंब कर रहा होता है उसी प्लांट से ये अपना फूड जो है वो लेता है, ठीक है. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्स इज कॉल्ड द होस्ट, और जिस प्लांट के ऊपर ये क्लाइंब कर रहा होता है, जिससे अपना फूड ले रहा होता है, उसे बोलते हैं होस्ट. सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, डिप्राइव करना मतलब कि दूर करना, ठीक है. तो होस्ट से वैल्यूएबल मतलब जो बहुत कीमती उसके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ये ले लेता है, ठीक है. तो कुस्कुटा इज कॉल्ड अ पैरासाइट, इसीलिए उसको पैरासाइट भी कहते हैं, ठीक है ना. तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड के लिए होस्ट पे डिपेंड करते हैं और उसका फूड जो है वो खा लेते हैं, ले लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट. आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट, यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर, ठीक है. तो अगर एक तरह से देखा जाए कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना, हम अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड कर रहे हैं, हम अपने फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट से अपना खाना लेते हैं, तो क्या हम भी किसी तरह के पैरासाइट होंगे, ये सोचने वाली बात है. पहली, वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेडबग, लाइस एंड लीचेस दैट सक अवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट. तो पहली जानना चाहती कि मॉस्किटो, बेडबग मतलब कि जो खटमल होते हैं, लाइस जो जुएं होती हैं, लीचेस एक तरह के ऐसे एनिमल्स होते हैं जो खून मतलब अगर आपके किसी इंसान की बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं और वहाँ से ब्लड को सक करते हैं, खून को चूसते हैं, तो क्या ये भी किस तरह के पैरासाइट्स हैं. तो यस, ये भी पैरासाइट हैं, क्योंकि ये भी दूसरे इंसान से या दूसरे एनिमल से अपना फूड ले रहे हैं, उनका खून चूस रहे हैं, तो उनका जो खाना है, फूड है, वो क्या है, वो ब्लड ही है, ठीक है ना. तो इसलिए उनको भी हम पैरासाइट कहेंगे. हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, क्या आपने सुना है ऐसे कोई प्लांट्स जो कि एनिमल्स को खा सकते हैं. देर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं. जैसे देखो, ये पिचर प्लांट की पिक्चर है, ठीक है. तो ये पिचर प्लांट होता है, इसकी लीफ जो होती है पिचर के समान जो है वो मॉडिफाई हो जाती है, शेप ले लेती है, और इसके अंदर अगर इंसेक्ट, कोई भी इंसेक्ट होता है, वो यहाँ आके बैठ जाता है, ठीक है. तो जैसे ही वो यहाँ बैठता है, वैसे ये जो लिड होती है ना, ढक्कन सा इसका जो होता है, फ्लैप टाइप, ये बंद हो जाता है और वो उस इंसेक्ट के ऊपर
डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं और उसको फूड उसको वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। इंसेक्ट इसमें से बाहर नहीं आ पाता क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही स्लाइमी टाइप का लिक्विड, मतलब जो बिल्कुल चिकना सा होता है, ऐसा लिक्विड यहाँ पर सिक्रीट होता है, बनता है, जो इंसेक्ट को बाहर आने नहीं देता और इंसेक्ट्स के अंदर ही फिसलता चला जाता है। यहाँ पे हेयर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, बाल बाल से होते हैं जिसमें वो इंसेक्ट फंस जाता है। ये पिचर प्लांट है पूरा, जिसमें ये जग टाइप का पिचर टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो आप देख सकते हो, पिचर प्लांट, दिस इज अ पिचर प्लांट। ठीक है नाउ सच प्लांट्स में भी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर पॉसिबल है कि ये प्लांट भी ग्रीन कलर के हों। ठीक है, जैसे ये पिक्चर है, द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर, जो जग टाइप का स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बोला जग के समान होता है, हमारे घर में जग होते हैं पानी पीने वाले, वैसे ही होता है, इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ, लीफ को ही मॉडिफाई करके बना हुआ स्ट्रक्चर है। एपेक्स ऑफ द लीफ मतलब लीफ का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, उससे बोलते हैं एपेक्स। फॉर्म्स अ लिड, वो जैसे एक ढक्कन टाइप का, ये लीफ का ऊपर का पार्ट ये ढक्कन के समान बन जाता है। ठीक है, विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ पिचर, और ये आराम से इसका पिचर का जो मुंह है बंद कर सकता है, जैसे कोई इंसेक्ट आता है ये फटाफट इसके ऊपर ढक्कन के समान बंद हो जाता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, इसमें बाल होते हैं जो नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जैसे ही इंसेक्ट बैठता है पिक्चर के ऊपर, लिड बंद हो जाती है, लिड क्लोजेस, एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटैंगल्ड इनटू द हेयर, और जो इंसेक्ट जो फंसा हुआ है वो उन बालों के अंदर जो होता है वो उलझ जाता है। एंटैंगल मीन उलझ जाना। द लिड क्लोजेस, लिड क्लोज हो जाती है, इंसेक्ट इज ट्रैप, इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस मतलब कि ऐसा लिक्विड, ऐसे लिक्विड्स जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं उन्हें कहते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। सिक्रीटेड, सिक्रीटेड मीन्स बनना, तो इन डाइजेस्टिव जूसेस से जो सिक्रीट होते हैं पिचर के अंदर, उनसे ही ये इंसेक्ट जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, और इससे जो भी न्यूट्रिएंट्स बनते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, ये इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, इंसेक्ट को खाने वाले जो प्लांट्स हैं उन्हें कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, आई सपोज समझ में आ गया होगा आपको। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो, क्या पॉसिबल है कि इन प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं सॉइल से जिनमें वो ग्रो कर रहे हैं? तो हाँ, ऐसा ही होता है। बुजो इस कंफ्यूज बुजो भी कंफ्यूज हो गया है कि अगर पिचर प्लांट ग्रीन कलर का है, फोटोसिंथेसिस भी कैरी करता है, तो भाई इंसेक्ट को क्यों खाता है? ठीक है, उसको क्या चीज और चाहिए जिससे कि वो इंसेक्ट खाता है? तो पॉसिबिलिटी होती है कि फोटोसिंथेसिस के बाद कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसको नहीं मिल पाता, जैसे नाइट्रोजन वगैरह है, ठीक है, तो उनके लिए वो इंसेक्ट्स को खाता है। सेकेंड आते हैं हमारे सेप्रोट्रॉफ, सेकेंड टाइप के प्लांट सेप्रोट्रॉफ। अभी सेप्रोट्रॉफ कौन से वाले प्लांट होते हैं? जैसे कि आपने मशरूम्स देखे होंगे, पैकेट ऑफ मशरूम, मशरूम आप खाते हैं, सब्जी मंडी में भी मिलते हैं। एंड यू मे ऑल्सो हैव सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस, जैसे कभी बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि छतरी के समान कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ये है, ठीक है ना, ये मशरूम है। ये कहाँ पर ग्रोथ करता है? इन मॉइस्ट सॉइल्स ऑन ऑन रॉटिंग वुड, अगर कहीं पे लकड़ी का कोई दरवाजा है, कोई खिड़की है जहाँ पानी पड़ रहा है बारिश के मौसम में, वहां पर आपने कभी देखा होगा कि ऐसे छतरी के समान जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें मशरूम कहते हैं वो उग जाते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। तो सैप्रोट्रॉफ क्या होते हैं? सैप्रोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सड़ी हुई चीजें, जो डेड हो रही हैं, जो सड़ रही हैं, जो खत्म हो गई हैं, उनसे अपना खाना लेते हैं, उन्हें ही बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ। ठीक है, अभी
ये आपकी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, कि आपने अपने घर में भी देखा होगा कि अगर कोई ब्रेड है, कोई रोटी है, वो सपोजिंग गर्मियों के मौसम में अगर बाहर रह जाती है बाय चांस, ठीक है, और आप भी करके देख सकते हो कि ब्रेड के ऊपर कुछ पानी के छींटे डालने हैं आपने 2-3 डेज़ के लिए, उसको बाहर छोड़ना है, आप क्या देखोगे कि कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर आपको हरे रंग का फंगस, या उसको हम बोलते हैं फफूंदी बोलते हैं या फुई बोलते हैं, वो लग जाती है हरे से रंग की, वो होती है फंगस, ठीक है, और इसे फंगी भी बोलते हैं, फंगी प्लूरल है, फंगस सिंगुलर वर्ड होता है, ठीक है ना। तो फंगी क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सड़ी हुई चीज, जो चीज़ सड़ रही होती है, खराब हो रही होती है, उस पर लग जाते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो अलग होता है। वो क्या कर रहे हैं इसमें, इस एग्जाम्पल में वो ब्रेड से अपने न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये आपको मार्क भी करना है और ये आपको याद भी होना चाहिए, ये वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनाइज टेक न्यूट्रिय, जिसमें ऑर्गेनाइज न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, मरी हुई और सड़ी हुई, जो सड़ रही हैं चीज़ें, उनसे अपना खाना लेते हैं, उसे कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और ये वाले ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉफिक मोड को शो करते हैं, उन्हें कहते हैं सेप्रोट्रॉफ, जैसे कि हमने पढ़ लिया है, मशरूम हो गए, फंगी हो गए, मशरूम भी एक तरह के फंगी होते हैं, लार्जेस्ट फंगी होते हैं मशरूम, सबसे बड़े, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा फंगस कौन सा होता है तो वो होते हैं मशरूम। और फंगी कहाँ ग्रो कर सकता है, पिकल्स के ऊपर, हमारे घर के अचार होते हैं, आप देखते हो कई बार अचार मम्मा फेंक देते हैं क्योंकि उसमें फुई लग जाती है, फंगस लग जाता है, ख़राब हो जाता है वो। लेदर, आपकी कोई पुरानी बेल्ट, पुराना कोई बैग जो अलमीरा के अंदर रखा हुआ है, जहाँ पर थोड़ी बहुत सीलन है, उसके ऊपर आपने फंगस लगी थी, देखिए होगी। क्लोज, कपड़ों के ऊपर भी फंगस लग जाती है, समर सीजन में जब हमको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, उस समय कभी आप देखें ना, कभी आपको ब्लैक कलर के छोटे छोटे से स्पॉट्स धब्बे से दिखाई देंगे अगर आपको अपने कपड़े के ऊपर, दैट मीन्स वो जो है स्पॉट, वो फंगस का स्पॉट होता है, ठीक है। और इसी तरह के और भी आर्टिकल्स, और भी चीज़ें होती हैं जो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, मतलब जब बहुत गर्मी है और ह्यूमिड है, मतलब ह्यूमिडिटी है सीजन में, मौसम में, तो बहुत समय तक जो आर्टिकल्स में पड़े रहते हैं उस मौसम में रहते हैं ऐसे ही, तो वहाँ पर फंगस जो है वो ग्रो कर जाती है। रेनी सीजन में ऐसे ही हमारी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्पॉइल हो जाती हैं, ठीक है। अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो आप इसके बारे में कि क्या आपके घर में भी फंगस ने किसी चीज़ को ख़राब किया है, ठीक है। अभी कैसे ये ग्रो करता है फंगस, फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, फंगल स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे से रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, एयर में प्रेजेंट होते हैं फंगल स्पोर्स सारे टाइम, व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, जो चीज़ें वेट हैं, जो चीज़ें वार्म हैं, तो वहाँ पर पहुँच के वो जर्मिनेट कर जाते हैं, जर्मिनेट आपको पता है उग जाते हैं, एंड ग्रो, और ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें अगर अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है तो हमें उनको इस ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा कि उनमें ज़्यादा सीलन वाली जगह पे हम उनको ना रखें, ठीक है, इस तरह से हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो टाइप के हमने पढ़ लिए, फर्स्ट हमारा हो गया इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सेकेंड हमारे हो गए पैरासाइटिक प्लांट्स, थर्ड हमारा हो गया सेप्रोट्रॉफ या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और फोर्थ टाइप की जो न्यूट्रिशन है वो है सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। अब हमने पैरासाइटिक रिलेशनशिप पढ़ी थी जिसमें पैरासाइट को जो होता है वो बेनिफिट कर रहा है, उसे फायदा हो रहा होता है, और होस्ट को नुकसान हो रहा होता है, ठीक है। एक को फायदा है, दो ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रह रहे हैं उनमें एक को फायदा है, एक को नुकसान है,
लेकिन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होती है जिसमें जो दो लोग, दो ऑर्गन जो साथ में रह रहे होते हैं, उनको दोनों को ही बेनिफिट हो रहा होता है, तो ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप होती है। और वो दोनों शेयर कर रहे होते हैं अपना खाना, अपना न्यूट्रिएंट्स और अपना शेल्टर, मतलब रहने की जगह। तो ये डेफिनेशन भी आपको याद करनी है, प्लस इसके एग्जाम्पल्स याद करने हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो है लाइकन्स का, जो एग्जाम में ज़रूर आता है, ठीक है। बट उससे पहले हम पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स, कुछ फंगी प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं। एक्सक्यूज मी, द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। प्लांट न्यूट्रिएंट्स, फंगस को न्यूट्रिएंट देता है, प्लांट फूड बनाता है, ठीक है, ऑटोट्रॉफ है। एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और फंगस, क्योंकि फंगस रूट्स के अंदर रह रहा है, तो वो प्लांट को क्या देता है, पानी देता है, और वो क्या देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है। सेकेंड एग्जाम्पल जिसकी बात मैं कर रही थी, लाइकन्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। लाइकन्स में क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, लाइकन्स में दो चीज़ें साथ में रहती हैं, ठीक है, एक एल्गा है, मतलब एल्गी है जो हमने पढ़ा था, और एक फंगस है, वो दोनों एक साथ रहते हैं। क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, हमको पता है कि एल्गी के पास क्लोरोफिल होती है, वो खाना बना सकती है, ठीक है, तो एल्गी क्या करती है, वो खाना बनाती है, ठीक है, प्रिपेयर करती है एल्गा, एल्गा सिंगुलर है, एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस, और फंगस को फूड देती है, और फंगस क्या करता है, फंगस उसको शेल्टर देता है, वाटर देता है, और मिनरल्स देता है। अब दोनों को ही फायदा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, इसीलिए ये रिलेशनशिप जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाती है, ठीक है। अब ये आपका लास्ट टॉपिक है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। रिप्लेनिश करने का मीनिंग होता है कि जो चीज खत्म हो रही है उसको दोबारा से ऐड करना, उसे हम बोलते हैं रिप्लेनिशमेंट, ठीक है। तो जैसे कि जब प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है ना, तो आई एम रीडिंग फ्रॉम हियर दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स और वाटर, ठीक है ना, अब यूज करते रहते हैं, धीरे धीरे क्या होगा, देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग, डिक्लाइन मतलब कम होना, धीरे धीरे उनकी जो क्वांटिटी है वो कम होती रहती है सॉइल के अंदर। तो जब फार्मर्स फर्टिलाइजर्स ऐड, तो उसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं, वो फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, ठीक है, एंड मैन्योर्स ऐड करते हैं। मैन्योर्स जो होते हैं, जो नेचुरली काउ डंग से मिलता है वो मैन्योर होता है, फर्टिलाइजर जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, और ये फैक्ट्रीज में बनते हैं, ठीक है। दे कंटेन न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर मैन्योर में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को चाहिए, क्या एग्जाम्पल हैं इसके, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस, ये भी आपको लर्न करना है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। और ये न्यूट्रिएंट्स टाइम टू टाइम, मतलब कि बीच बीच में ऐड करने पड़ते हैं सॉइल को एनरिच बनाने के लिए, मतलब कि सॉइल को अच्छा फर्टाइल उपजाऊ बनाने के लिए, जिससे कि जो प्लांट ग्रो करे वो हेल्दी रहे। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, अगर प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल रहा है तो प्लांट जो है वो हेल्दी रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट, यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तो प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और सॉइल में से, और सॉइल डेफिशिएंट बन जाती है, मतलब सॉइल के अंदर कमी हो जाती है नाइट्रोजन की। और ये हमने पढ़ा है कि भाई नाइट्रोजन के वैसे तो एटमॉस्फेयर में प्लेंटी में है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, लेकिन प्लांट इसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए प्लांट्स क्या करते हैं, दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। सॉल्युबल फॉर्म में मतलब जो घुल जाए, जो वो आसानी से अब्जॉर्ब कर लें, इस फॉर्म में उनका होना ज़रूरी है। तब एक तरह का बैक्टीरियम होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो क्या कर सकता है, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके उसे कन्वर्ट कर सकता है यूजेबल फॉर्म में, मतलब कि ऐसी फॉर्म में जो प्लांट यूज कर सके। बट लेकिन राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड,
टाइसोबियम बैक्टीरिया अपना खाना अपने आप नहीं बना सकता है, ठीक है। तो सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ, इसलिए ये लेगुमिनस प्लांट जैसे कि ग्राम, चना है, पी मटर है, मूंग है, बीन्स है और अदर लैग्यूम्स और दूसरे लेगुमिनस प्लांट्स में रहता है, ठीक है। ये प्लांट इसको क्या देते हैं, फूड देते हैं, और बैक्टीरिया जो है इसको नाइट्रोजन देता है। तो अगेन ये थर्ड एग्जाम्पल है आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, जहाँ दोनों ऑर्गेनिज्म लेगुमिनस प्लांट और राइजोबियम जो दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुँचाते हैं। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, कि ये मैंने आपको बता दिया है, प्लांट फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो इनकी रिलेशनशिप भी जो है वो सिम्बायोटिक है, ठीक है। अब उनको इसका, इस रिलेशनशिप का फार्मर्स को भी बहुत फायदा होता है। क्या फायदा होता है, अगेन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई फार्मर जो होते हैं ना वो लेगुमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर क्यों नहीं यूज करते। सिंपल सा एग्जाम्पल रीजन है इसका कि भाई लेगुमिनस प्लांट के रूट्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है जो उसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकता है, जो प्लांट यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए फार्मर्स को लेगुमिनस प्लांट में फर्टिलाइजर, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके फाइन, तो अभी हम लास्ट में आते हैं, समराइज करते हैं कि इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न दैट मोस्ट, हमने पढ़ा सारे प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ ही प्लांट्स हैं जो कि पैरासाइटिक हैं या वो सैप्रोट्रॉफिक है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेता है उन्हें कहते हैं हीटरोट्रॉफ, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इंसेक्टिवरस प्लांट्स जो होते हैं ये भी एक तरह से हीटरोट्रॉफ है, क्योंकि ये अपना खाना कहाँ से ले रहे हैं, ये अपना खाना इंसेक्ट से ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई सपोज आपको सब समझ में आया होगा, अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।